फ्रेंड, माय नेम इज रंजना। यह हमारा आर्डिनो का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आर्डिनो को सॉफ्टवेयर हम ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिए और उस पर गूगल सर्च कीजिए। और यहाँ पे आप लिखिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो उसके बाद सिंपली डाउनलोड हो जाता है। ऑलरेडी भी मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं आपको डाउनलोड नहीं करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्डिनो का प्रोग्राम, ये वाली जो आर्डिनो का आपको प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दिख रहा है, मैंने इसी प्रोसीजर से मैंने नेट से डाउनलोड किया है। और यहाँ पे फाइल होता है तो यहाँ पे एक ऑलरेडी वेल रिटन एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम एज अ बिगनर हम लोग समझने के लिए इससे हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले बेसिक्स पे जाते हैं। बेसिक में एक ब्लिंक का एक प्रोग्राम आता है तो वहाँ पे ब्लिंक पे चले जाइए। तो यहाँ ब्लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में यही इस बेसिक प्रोग्राम पहले समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में यही है कि वाइट सेटअप और यहाँ पे हम लोग जो LED है, ब्लिंकिंग का मतलब होता है जैसे LED है वो ब्लिंक करता है, ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसके डिले को चेंज कर दें तो वहाँ पे टाइमिंग चेंज हो जाती है, कब ऑन होगा, कितने समय ऑन होने का लेगा, कितने ऑफ लेने का। तो यहाँ पे हम लोग टाइमिंग चेंज करते हैं तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर में अगर चेंजिंग करते हैं तो हमारा जो हार्डवेयर वाला आर्डिनो होता है उसमें प्रोग्राम अपलोड किया जाता है, तो इसमें अगर चेंजिंग कर देते, मान लीजिए यह डिले है 1000 दिया है, अगर मैं 500 कर देती हूँ वहाँ पे LED का जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने अपने सेकेंड आर्डिनो के पार्ट में बताया है और मैं करके भी दिखाई हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रोग्राम यहाँ लिखा होता है यहाँ से हमें वेरीफाई करते हैं, यहाँ से अपलोड कर देते हैं। वेरीफाई सिंपली जब होता है तो यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच होता है, अगर ये प्रोग्राम सही है तो पूरा यहाँ तक ग्रीन हो जाता है। और अभी मैंने तो एक्सटर्नली आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है, अगर मैं इसको कनेक्ट की होती तो यहाँ से जब मैं अपलोड करती तो ये सिंपल यहाँ पर दिया कि कंपाइलिंग हो गया है, कंपाइल होने के बाद यहाँ से अपलोड सिंपली कर देते हैं तो ये जो प्रोग्राम है उसमें आर्डिनो वाले जो एक्सटर्नली हार्डवेयर है उसमें चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर वर्क करता है। और यहाँ इससे हम ये और फ़ायदा है कि हम अपना खुद का अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाकर उसको हार्डवेयर से में अपलोड करके हम हार्डवेयर से अपना काम करा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रंजना। यह हमारा आर्डिनो का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आर्डिनो को सॉफ्टवेयर हम ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिए और उस पर गूगल सर्च कीजिए। और यहाँ पे आप लिखिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर।
नेट का स्पीड थोड़ा स्लो है पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये हमारा आर्डिनो का जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए डाउनलोड करना है, विंडो में डाउनलोड करना है कि मैक में। तो हमें विंडो के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ विंडो कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा, तो उसके बाद सिंपली डाउनलोड हो जाता है। ऑलरेडी भी मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं आपको डाउनलोड नहीं करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्डिनो का प्रोग्राम, ये वाली जो आर्डिनो का आपको प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दिख रहा है, मैंने इसी प्रोसेसर से मैंने नेट से डाउनलोड किया है। और यहाँ पे फाइल होता है, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी वेल रिटन एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम एज ए बिगनर हम लोग समझने के लिए इससे हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले बेसिक्स पे जाते हैं, बेसिक में एक ब्लिंक का एक प्रोग्राम आता है, तो वहाँ पे ब्लिंक पे चले जाइए। तो यहाँ ब्लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में यही, इस बेसिक प्रोग्राम पहले समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में यही है कि वाइट सेटअप और यहाँ पे हम लोग जो LED है, ब्लिंकिंग का मतलब होता है जैसे LED है वो ब्लिंक करता है, ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसके डिले को चेंज कर दें तो वहाँ पे टाइमिंग चेंज हो जाती है, कब ऑन होगा, कितने समय ऑन होने का लेगा, कितने ऑफ लेने का। तो यहाँ पे हम लोग टाइमिंग चेंज करते हैं तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर में अगर चेंजिंग करते हैं तो हमारा जो हार्डवेयर वाला आर्डिनो होता है उसमें प्रोग्राम अपलोड किया जाता है, तो इसमें अगर चेंजिंग कर देते, मान लीजिए यह डिले है 1000 दिया है, अगर मैं 500 कर देती हूँ, वहाँ पे LED का जो जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने इसको मैंने अपने सेकेंड आर्डिनो के पार्ट में बताया है और मैं करके भी दिखाई हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रोग्राम यहाँ लिखा होता है यहाँ से हमें वेरीफाई करते हैं, यहाँ से अपलोड कर देते हैं। वेरीफाई सिंपली इस जब होता है तो यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच होता है, अगर ये प्रोग्राम सही है तो पूरा यहाँ तक ग्रीन हो जाता है। और अभी मैंने तो एक्सटर्नली आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है, अगर मैं इसको कनेक्ट की होती तो यहाँ से जब मैं अपलोड करती तो ये सिंपली यहाँ पे दिया कि कंपाइलिंग होगा, कंपाइलिंग।